ज़्यादा मेरा फेस क्लियर ना नज़र आए कैमरे पे, क्योंकि आज पूरा नाइट टाइम में पूरा शूटिंग होगा। तो इसके लिए स्पेशल मैंने छुट्टी ली है। आज से 10-11 साल पहले जब आया था तो 8 बजे स्टार्ट होता था वो। तो गाइस थोड़ा सा लाइट मिला है मुझे एंड यू कैन सी माई फेस। अभी जल्द से जल्द निकलना होगा क्योंकि यहाँ पे तेज़ आंधियाँ चालू हो चुकी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। फ़िलहाल मैं हूं राजस्थान की कैपिटल जयपुर सिटी में। मैं एक अमेजिंग सा पार्क एक शो देखने आया हूं, बेसिकली एक शो देखने आया हूं। उसके लिए मैंने स्पेशल जिम से छुट्टी ली है आज। एंड ये एक फ़िक्स टाइम पे होता है, एवरी डे होता है, ये 8 बजे होता है रात को। एंड एक डांसिंग फाउंटेन शो है जो कि जयपुर में काफ़ी प्रचलित है, जो कि अपना जयपुर सिटी हेरिटेज सिटी है। तो मैं उसी चीज़ को देखने के लिए आया हूँ। एंड मैं ये 8 बजे शुरू होता है, तो मैं निकलने वाला हूँ थोड़ी देर में। एंड आपसे मिलता हूँ अभी गोप्रो मोड पे। एंड गाइज हो सकता है क्योंकि नाइट टाइम है तो आज ज़्यादा मेरा फेस क्लियर ना नज़र आए कैमरे पे, क्योंकि आज पूरा नाइट टाइम में पूरा शूटिंग होगा। एंड ये डांसिंग फाउंटेन शो मुझे काफ़ी टाइम से देखना था, इसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरी जिम का शिफ्ट होता था इवनिंग में। सो इसके लिए स्पेशल मैंने छुट्टी ली है। एंड ये जस्ट मुझे विज़िट करना था कि कैसा होता है, क्योंकि मैंने आज से 11 या 12 साल पहले देखा था ये एक बार। तो उसके बाद मैं आज फिर से आया हूँ इसी को देखने। तो अभी मिलते हैं आपको डायरेक्ट गोप्रो मोड पे। एंड हो सकता है मैं डायरेक्ट पार्किंग में मिलूँगा आपसे। सो गाइस गेट पे पहुँच चुके हैं एंड वी आर लुकिंग फॉर पार्किंग। तो देखते अभी पार्क करते हैं गाड़ी, उसके बाद अंदर जाने का है क्योंकि अभी 4-5 मिनट बाकी है 8 बजने में। एंड मैंने सुना है कि 8 बजे स्टार्ट होता है डांसिंग फाउंटेन जो आज शो है वो। तो देखिए पार्क करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो गाइज मैंने अपनी बाइक पार्क कर दी है, मैं पहुंच चुका हूं और 8 बज चुके हैं। अकॉर्डिंग टू गूगल, जब गूगल में चेक किया 8 बजे मैं पहुँचा तो यह बोल रहे कि 8 बजे फाउंटेन का जो शो है वो बंद हो जाता है। बट अभी मुझे आवाज़ आ रही है, जितना मुझे आइडिया था मैं आज से 10-11 साल पहले जब आया था तो 8 बजे स्टार्ट होता था वो। एंड आई कैन हियर द वॉइस क्लियरली। लेट्स सी अभी जा रहे हैं, उसी को खोजने जा रहे हैं आगे की ओर, लेकिन वो मिल नहीं रहा है कहाँ पर है। सो गाइज मैं बहुत करीब पहुँच चुका हूँ उसके। एंड बॉलीवुड म्यूज़िक की वजह से मैं कम बोलूँगा और कम ही दिखाऊँगा, बाकी आपको पूरा विजुअल दिखाऊँगा डांसिंग फाउंटेन का। तो मैं पहुँच रहा हूँ उसके नज़दीक में और आप बने रहिए मेरे साथ। गाइज़ यहाँ पे पीछे डांसिंग फाउंटेन का जो शो था वो अभी 8:30 पे ख़त्म होने को आ गया है एंड ख़त्म हो चुका बेसिकली। एंड अभी मैं निकलता हूँ, मच अवेटेड था आज इसी शो के देखने के लिए। आज मैंने जिम से भी ऑफ लिया था, तो ये शो अच्छा था, मतलब आधे घंटे का शो था। आई होप मेरी फेस देख पा रहे हो आप। मुझे पता नहीं कितना मेरा कैमरा जज कर पा रहा होगा क्योंकि इन द इवनिंग है, आज इन द नाइट है, 8 बजे, तो आई डोंट नो मेरा कैमरा कितना जज कर पाएगा, बट बेयर इट विथ मी गाइज। सो गाइज थोड़ा सा लाइट मिला है मुझे एंड यू कैन सी माई फेस एंड मेरे पीछे अगर यहाँ पे देख सकते हैं आप तो यहाँ पे था डांसिंग फाउंटेन एंड इसकी जस्ट सामने यहाँ पर है पत्रिका गेट। तो बेसिकली जवाहर सर्कल है जो मैंने आपको शायद पहले भी दिखाया है एक, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा पत्रिका गेट का तो आप आई बटन में क्लिक कर सकते हैं ऊपर एंड वो पत्रिका गेट वाला वीडियो व्लॉग जो देख सकते हैं एंड इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बता। सो गाइस 1420 मीटर का जो ये पार्क है उसको बनाने में लाइक 2009 में बना था ये बाय JDH एंड ये रोड के बीचों बीच है, तो ये भी एक जयपुर की हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है। सो गाइज़ मेरा डांसिंग फाउंटेन शो ख़त्म करके हो गया एंड मैं अभी आपको पार्क ही विज़िट करवा रहा हूँ। मैंने जब ये दिखाया थोड़ी देर पहले वो पत्रिका गेट था एंड गाइज़ यहाँ पे काफ़ी बड़ा पार्क है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे पीने का पानी का सुविधा है, सारा कुछ है एंड आई थिंक मैं जब बाहर से आया तो मुझे फूड स्टॉल्स भी नज़र आए थे बाहर। सो यहाँ पे आपको फूड का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है क्योंकि ये राजस्थान है गाइज़, यहाँ पे ज़्यादातर फूडी लोग रहते हैं, काफ़ी स्वादिष्ट व्यंजन यहाँ पे आपको खाने को मिलेंगे। सो एक चीज़ है और कि मैं जयपुर टूरिज़्म एंड राजस्थान टूरिज़्म को प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि ये एक हेरिटेज सिटी है, हेरिटेज स्टेट है। प्लीज़ विज़िट करें इसको, नॉट ओनली इन विंटर्स, समर्स में भी कुछ चीज़ें देखने लायक होती हैं यहाँ पे एंड सबसे बेहतर है कि आप विंटर्स में जाएं एंड आप यहाँ पे मानसून के टाइम पे आएँ तो काफ़ी खूबसूरत ग्रीनरी भी देखने को मिलेगी। नॉट ओनली यहाँ पे डेजर्ट ही सिर्फ नहीं है, सो ग्रीनरी भी है यहाँ पे। सो गाइज़ ये आउटर साइड पे यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी फूड स्टॉल्स है एंड गाइज़ जैसा कि सबको पता है कि तूफ़ान एक कच्छ गुजरात को टच किया है। सो गाइज़ यहाँ पे उस तूफ़ान का दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है एंड हमें अभी जल्द से जल्द निकलना होगा क्योंकि यहाँ पे तेज़ आंधियाँ चालू हो चुकी है एंड ये शायद वही तूफ़ान का ये कनेक्टेड चीज़ है शायद जो आंधी चल रही है। तो अभी हमें विदाउट फर्दर अडू हमको निकलना पड़ेगा एंड फिलहाल आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक कीप ट्रैवलिंग, कीप एंजॉइंग।